हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज जैसे कि संडे है और संडे स्पेशल में मैं आप सभी के लिए लाई हूँ ढोकला रेसिपी। देखिए संडे को मैं कुछ ना कुछ स्पेशल बनाती हूँ अपनी रसोई में, तो आज मैंने बनाया है ढोकला और उसकी रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये बनाना बहुत ही आसान है और खाने में टेस्टी भी लगता है। तो देखिए कितना स्पॉन्जी बना है हमारा ढोकला, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ मैंने सबसे पहले क्या क्या सामान लिया। ये देखिए मैंने एक बाउल ले लिया है बेसन, दो छोटे चम्मच ले लिया है सूजी, थोड़ा सा ले लिया है नमक स्वाद अनुसार, डेढ़ चम्मच ले लिया है चीनी, और ये मैंने ले लिए हैं हरी मिर्च, आधा नींबू, करी पत्ता और इनो का पैकेट लिया है। इसमें से मैं हिसाब से इनो डालूँगी, तो ये सब सामान की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल में मैं बेसन डाल लूँगी। बेसन डालने के बाद इसमें डाल देंगे हम अपनी सूजी। सूजी के बाद इसमें डाल देंगे, और अब डाल देंगे हम इसमें नमक, और अब इसमें हम पानी डालकर इसका एक तैयार कर लेंगे। तो इसे अच्छे से घोल लेना है। देखिए मैंने बेसन छना हुआ लिया है, अगर आपका बेसन बिना छना है तो उसे छन्नी में छान जरूर लीजिए, क्योंकि इसमें गांठें होती हैं तो फिर वो गांठें दिक्कत करती हैं। तो एक चम्मच डाल देंगे इसमें देसी घी, या फिर आप ऑयल डालना चाहते तो ऑयल भी डाल सकते हैं, और इसे फेंटते हुए इसका एक पतला घोल तैयार कर लेंगे। देखिए अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी और इसे अच्छे से घोल देंगे। ये देखिए हमारा घोल तैयार है। आपको भी इसी तरीके का एक पतला घोल तैयार करना है, ये देखिए इस तरीके का। और चलिए अब हम एक कढ़ाई में पानी चढ़ा लेते हैं इसको पकाने के लिए। देखिए मैंने कढ़ाई में डेढ़ गिलास पानी डाल दिया है। अब जब तक पानी गर्म होता है तब तक हम अपने घोल को एक बर्तन में कर लेते हैं। देखिए मैंने सिल्वर का बर्तन लिया है जो बर्फ़ जमाने वाला होता है, और अब इसमें हम डाल देंगे इनो। देखिए इनो बिल्कुल उसी टाइम डालें जिस टाइम आपका पानी बिल्कुल गर्म हो जाए और आपको ये बर्तन पकने के लिए रखना हो। साथ के साथ इनो डालनी है, इनो पहले नहीं डालनी है। और इनो डालने के बाद अच्छे से घोल देना है इस तरीके से, इसका अच्छा बैटर तैयार कर देना है आपको। ये देखिए ये काफ़ी फूल गया है अब हमारा बैटर। तो चलिए अब इसमें एक रख देंगे इस तरीके का स्टैंड, और इसके ऊपर रख देंगे अपना बर्तन और ऊपर से इसे ढक्कन बंद कर देंगे। देखिए 15 से 20 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाने के बाद पकता है। स्टार्टिंग में गैस तेज़ रखनी है, उसके बाद मंदी कर देनी है और बीच में एक बार चेक कर लेना है। तो चलिए हम चाकू डालकर चेक कर लेते हैं। तो ये अभी कच्चा है, अभी ये पका नहीं है, क्योंकि चाकू के साथ बेसन लग के आ रहा है, तो इसे हम दोबारा से ढक देंगे। तो ये 15 से 20 मिनट में जाके तैयार होता है। अब देखिए अब हम चलिए चेक कर लेते हैं। ये अब हमारा ढोकला तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको बर्तन को निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसे चाकू की हेल्प से चारों तरफ से छुटा देंगे इस तरीके से, और अब एक प्लेट ले लेंगे और प्लेट में इस तरीके से उल्टा करके बर्तन को हाथ से थपथपाते हुए अपना ढोकला निकाल लेंगे। जब ये पक जाएगा तो बड़ी आसानी से छूट जाता है। देखिए कितना स्पॉन्जी और कितना अच्छा हमारा ढोकला तैयार हुआ है, ये देखिए। तो अब इसके पीस कट कर लेते हैं अपनी पसंद के अनुसार। ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना फूला हुआ हमारा ढोकला तैयार हुआ है। अब इसके मैं पीस काट दूंगी, और पीस काटने के बाद इसकी हम चाशनी तैयार कर लेंगे। देखिए ढोकला फ्रिज में रखकर ठंडा होने के बाद ही खाने में अच्छा लगता है, तो इसे बनाने के बाद थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। अब मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, फ्राई पैन में मैंने थोड़ी सी चिकनाई चढ़ा दी है। चिकनाई को गर्म होने के बाद इसमें डाल दूंगी राई। राई चटकने के बाद इसमें डाल दूंगी हरी मिर्च, करी पत्ता। हरी मिर्च और करी पत्ता चटकने के बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। देखिए अपने ढोकले के अनुसार ही पानी डालिएगा, जितना आपको चाशनी की ज़रूरत है। अब देखिए मैंने एक कटोरी पानी डाल दिया है। अब एक कटोरी पानी में मैं डाल दूंगी थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक, और थोड़ा सा डाल दूंगी नींबू का रस।
और इसे एक पका लेंगे, अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे इसका। 2 से 3 मिनट तक इसे पका लेना है। अच्छा ये देखिए अभी हमारी चाशनी तैयार है, तो इस चाशनी को अब हम अपने ढोकले पर डाल देंगे ऊपर से। देखिए ढोकला मैंने एक कटोरे में रख लिया है जिससे कि चाशनी को अच्छे से पी ले, और उसके बाद मैंने निकाल लिया ढोकला सर्व करने के लिए एक प्लेट में।